सो हेलो आर्मी एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो लास्ट मंथ दुनिया के सबसे बड़े केपॉप आइडल बीटीएस मिलिट्री इन्वेस्टमेंट के खबर और कंफर्म होने के बाद से तब से फैंस हर दिन एक डर और एक परेशानी के साथ बिताती है। उनके फेवरेट केपॉप आइडल्स अगले दो सालों के लिए उनके बीच नहीं होंगे, ना बीटीएस का लाइव और ना किसी प्रकार का सोशल मीडिया एक्टिविटी। हालांकि पिछले कुछ दिनों से बीटीएस मेंबर्स ने नए नए सरप्राइज और गुड न्यूज़ के बाद बीटीएस आर्मी इस दर्द को थोड़ा कम कर पाई थी, लेकिन कल जब बीटीएस के अलग मेंबर जिन ने ये कंफर्मेशन के बाद बीटीएस आर्मी फिर से गम में चली गई है। और तो ये पहले से ही अनाउंस था कि बीटीएस के अलग मेंबर जिन पहले बीटीएस मेंबर होंगे जो इस साल के खत्म होने से पहले ही मिलिट्री में चले जाएंगे। और कुछ दिन पहले जिन ने इसके लिए ऑफिशियली प्रोसीजर भी स्टार्ट कर दिया था। और अब इतने लंबे इंतजार के बाद कल फाइनली जिन ने ये मिलिट्री की में जाने की डेट फाइनल हो गई है। और ये न्यूज़ कल खुद जिन के कन्फर्म किया और ये बीटीएस मेंबर के रिक्वेस्ट किया कि उनके मिलिट्री में जाने के बाद वो ये काम ना करें। जहाँ कोरिया के न्यूज़ में हर तरफ ये हेडलाइन बन रहा है कि ये और ये क्लेम किया जा रहा है कि बीटीएस के एल्डर मेंबर जिन नेक्स्ट मंथ 13 दिसंबर को मिलिट्री चले जाएंगे और वो 5 वीक के लिए बूट कैंप में रहेंगे और इसके बाद जिन को बॉर्डर में भेजा जाएगा। और जिन वीवर्स पर लिखते हुए आर्मी से ये कहा और रिक्वेस्ट करा कि उन्हें चेयर करने के लिए या फिर उन्हें देखने के लिए कोई भी फैन बूट कैंप में ना आए, उस एरिया में ना आए, क्योंकि वो जगह खतरा हो सकता है। और जिन ने इसके साथ अपना प्यार देते हुए आर्मी को गुड बाय कहा। सेकेंड अपडेट है बीटीएस के यंगर सुपरस्टार जियोन जंगकुक के बारे में। जहां कुछ टाइम पहले आर्मी ये सुनकर खुश थी कि फीफा में जंगकुक और नूरा एक साथ परफॉर्म करेंगे और खास करके इंडियन बीटीएस आर्मी जो का लेवल 7वें आसमान पर था, जहां वो ये सोचकर के खुश थे कि बीटीएस मेंबर इंडिया में ना सही पर इंडियन एक्टर और डांसर के साथ वो एक बार परफॉर्म करते हुए नजर तो जरूर आएंगे। जब फीफा के ओपनिंग सेरेमनी में सभी लोग जंगकुक के परफॉर्मेंस को देखने में बिजी थे तो उन्होंने ये नोटिस नहीं किया कि नूरा फतेही ने अपने परफॉर्मेंस क्यों नहीं किया। और तो नूरा फतेही के परफॉर्मेंस ना करने के पीछे का रीज़न ये बताया जा रहा है कि कतर एक इस्लामिक कंट्री है और वहाँ लड़कियों को छोटे कपड़े पहनना अलाउ नहीं है। इसके वजह से और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर और डांसर ने ये फीफा वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं किया है। तो यही थी आज की एक छोटी सी वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।